अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो जनाब, आज आपके लिए कुछ अहम खबरें हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ की जा रही है कि इमरान खान को किसी ना किसी तरीके से तोड़ा जाए और पाकिस्तान की सियासत से बाहर किया जा सके। पिछले 2-2.5 साल से यही कुछ किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान को नहीं तोड़ा जा सका। तो जनाब, इमरान खान को नहीं तोड़ा जा सका तो इसीलिए अब इमरान खान के जो मुखालफीन भी हैं वो ये कहने पर मजबूर हैं कि यार, इमरान खान को नहीं तोड़ा जा सकता और इमरान खान के खिलाफ जो भी बयानियां बनाया गया वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ। तो जनाब, इमरान खान के सख्त नाकिद, इमरान खान के मुखालिफ बात करने वाले सहाफी जो मोहसिन बेग हैं, वो भी जनाबे वाला शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ बोल पड़े हैं, इमरान खान के हक में बोल पड़े हैं। ये बड़ी ही हैरत अंगेज और बड़ी ही गैर मामूली चीज़ है कि ये लोग भी इमरान खान के हक में बात करना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को तस्लीम करते हैं कि जी, इमरान खान को नहीं तोड़ा जा सकता तो इसका हल सिर्फ और सिर्फ यही है कि इमरान खान से मुज़ाकरात किए जाएं और पाकिस्तान को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से बाहर करके या कोशिश करके भी पाकिस्तान को आगे नहीं ले जाया जा सकता। तो जनाब, एक और आपको बड़ी खबर देता चलूं कि इमरान खान का एक और आर्टिकल जल्द शाया होने वाला है और वो भी आलमी मीडिया के थ्रू पाकिस्तान की आवाम को ये दिखाया जाएगा, और जो ये आर्टिकल होगा ये बड़ा ही खौफनाक होगा और ये तहलका मचाने जा रहा है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। इसके अलावा जनाब, आपके लिए एक और बड़ी खबर है कि जी, पाकिस्तान की आवाम के साथ प्रैंक कर दिया गया है, पाकिस्तान की आवाम को एक झूठा लारा लगाया गया और आखिर में जो निकला वो पाकिस्तान की आवाम के सामने है, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और साथ ही साथ जनाबे वाला, बिजली की कीमतों के अंदर भी रदो बदल का फैसला किया गया है, इसके पीछे क्या कार्रवाई है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम शुरू करते हैं अजमा बुखारी से, जो कि तर्जमान है पंजाब हुकूमत की। वो आए रोज जनाबे वाला इमरान खान के खिलाफ कोई ना कोई बयानियां बनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर उसके अंदर नाकाम रहती हैं। तो जनाब, अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट शेयर किया गया जिसमें हमूदुर्रहमान कमीशन के हवाले से बात की गई और उसमें बताया गया कि 1971 के अंदर जो पाकिस्तान टूटा था उसके पीछे किरदार कौन थे। अब इसको इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है और जो मुस्लिम लीग नून है वो ये बयानियां बनाने की कोशिश कर रही है कि जी, तहरीक इंसाफ जो है वो डिजिटल दहशतगर्दी कर रही है, तो लिहाजा तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाई जाए और एक ये नया जो प्रोपेगेंडा है उसको शुरू किया जा रहा है ताकि तहरीक इंसाफ के ऊपर बगावत का मुकदमा बनाकर उनको पाबंदी उनके ऊपर लगा दी जाए। तो जनाब, वजीर इत्तलात क्या कहती हैं, वो कहती हैं जी, बानी पीटीआई के जहरीले आर्टिकल्स बाहर के अखबारात में क्यों छप जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात कि इमरान खान जेल के अंदर मौजूद हैं, इमरान खान की तस्वीर बाहर नहीं आने दी जाती, इमरान खान को मीडिया से बात करने के ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी इनको इमरान खान का इतना खौफ है कि वो परेशान है कि जी, इमरान खान का जो आर्टिकल है वो किस तरह छप जाता है। इसके अलावा उनका मजीद कहना था जी कि आज भी मुल्क की फौज और चीफ जस्टिस के खिलाफ महाज बनाया गया है, नौजवानों के दिलों में नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये कहना था जी जनाबे वाला अजमा बुखारी का। उन्होंने कहा जी, 9 मई समेत बानी पीटीआई ये सब क्यों कर रहे हैं, इस पर कमीशन बनाया जाए। कमीशन इस बात पर बनना चाहिए कि बानी पीटीआई मुल्क दुश्मनी क्यों कर रहे हैं। अजमा बुखारी का कहना था कि बानी पीटीआई फितना है, सियासत पर बड़ा असर पड़ रहा है, बानी पीटीआई को NRO दिया जाए तो सारा इनकलाब खत्म हो जाएगा, इनका एक और 9 मई जैसा प्लान है। सूबाई वजीर ने कहा कि आप इस मुल्क में फसाद करवाना चाहते हैं, अवाम को अब समझना होगा कि पीटीआई कैसे मुल्क के खिलाफ साजिश कर रही है। मुल्क की अवाम बानी पीटीआई को बहुत इज्जत दी, इनकलाबियों से कहती हूँ ड्रामेबाजी बंद करें। इनका कहना था कि इस महीने पेट्रोल की कीमत में 20 से 21 रुपए कमी आई, हुकूमत आटे और दीगर अशिया की कीमतों में बहुत कमी लाई है। तो जनाब, ये तर्जुमान साहिबा का कहना था और उन्होंने तहरीक इंसाफ के खिलाफ भरपूर तरीके से बयानियां बनाने की कोशिश की। अब सबसे पहले इन्होंने जनाब आर्टिकल्स के हवाले से बात की, तो जनाब एक और आपको बड़ी खबर देता चलूं कि इमरान खान का एक और आर्टिकल जल्द शाया होने वाला है और वो भी आलमी मीडिया के थ्रू पाकिस्तान की आवाम को ये दिखाया जाएगा, और जो ये आर्टिकल होगा ये बड़ा ही
खौफनाक होगा और ये तहलका मचाने जा रहा है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, क्योंकि इन मुखालफीन से तो पहले ही इमरान खान के आर्टिकल्स बर्दाश्त नहीं हो रहे। तो जनाब अब जो आर्टिकल आ रहा है वो तहलका मचा देगा पाकिस्तान की सियासत के अंदर। तो जनाब अजमा बुखारी की तरफ चलते हैं, उनका कहना था जी के फौज और चीफ जस्टिस के खिलाफ महाज बनाया जा रहा है। तो जनाबे वाला वही नवाज शरीफ हैं जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, वही मुस्लिम लीग नून है और वही मरियम नवाज हैं और वही अजमा बुखारी हैं, जो कि आज से चंद साल पहले जिस तरह फौज और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद करते थे और जिस तरह इन्होंने चीफ जस्टिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने धरना दिया था, वो पाकिस्तान की अवाम को याद है। क्या उस वक्त महाजराई नहीं की जा रही थी? क्या उस वक्त आर्मी चीफ के खिलाफ नारे नहीं लगाए जा रहे थे? क्या उस वक्त चीफ जस्टिस को गालियां नहीं दी जा रही थी? तो जनाब आप कैसे इतनी जल्दी ये भूल सकती हैं कि आप सब यही करते रहे हैं? तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने तो इदारे के खिलाफ बात नहीं की, बल्कि वो तो एक शख्सियत के हवाले से बात करते हैं कि जी उनका इल्जाम है कि जी उन्होंने तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन किया, उन्होंने तो किसी इदारे के खिलाफ बात नहीं की। इसी तरह जनाब उन्होंने 9 मई के हवाले से एक बार फिर बयानियां बनाने की कोशिश की। नाजरीन जो 9 मई का जो बयानिया है वो मुकम्मल तौर पर दफन हो चुका है, वो ऐसे कि 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम ने 9 मई का जो बयानिया था उसको मुस्तरद कर दिया। चले वो तो अवाम की एक आवाज थी, अवाम का एक फैसला था। इसके अलावा अदालती महाज के ऊपर भी जो प्रोसिक्यूशन है, जो हुकूमत है, वो इमरान खान के खिलाफ कोई भी चीज साबित करने के अंदर नाकाम है। अभी हाल ही में इमरान खान 5 से 6 मुकदमात के अंदर बरी हुए हैं जो कि 9 मई के हवाले से थे। 9 मई के अंदर इमरान खान और तहरीक इंसाफ को मुलव्वस साबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इमरान खान उस वक्त जेल के अंदर मौजूद थे। इमरान खान को तो किसी चीज का मालूम ही नहीं था, इमरान खान के पास ना फोन था ना टीवी था, तो इमरान खान को इस हवाले से कैसे मालूम होता? अब बयानिया ये बनाया जा रहा है कि जी इमरान खान को मालूम था कि उन्होंने गिरफ्तार हो जाना है, तो उन्होंने पहले ही प्लानिंग कर ली थी जी कि हम लोगों ने बाद में ये करना है। तो जनाबे वाला इमरान खान को दूर दूर तक ये मालूम नहीं था कि उनकी गिरफ्तारी हो जानी है, वो तो अचानक इस्लामाबाद हाईकोर्ट से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। तो जनाब इनकलाब की ये लोग बातें करते हैं, आपका इनकलाब भी हम लोग देख चुके हैं कि नवाज शरीफ को जिस तरह पाकिस्तान से भगाया गया, उनकी दरख्वास्त थी कि मुझे कुछ ना किया जाए, मुझे सजा ना दी जाए, मुझे पाकिस्तान से भेज दिया जाए। और नवाज शरीफ खुद भी तकरीरों में ये कह चुके हैं कि जब मैंने कदम बढ़ाया था तो मेरे पीछे कोई भी मौजूद नहीं था, और बल्कि अजमा बुखारी साहिबा जो थी उस वक्त पीपल्स पार्टी के अंदर थी, वो मुस्लिम लीग नून के अंदर नहीं थी। इसके अलावा जनाब 9 मई के हवाले से एक और इन्होंने बात की है कि जी 9 मई जैसा एक और प्लान बनाया जा रहा है। तो जनाब ये पाकिस्तान की अवाम को मालूम है कि 9 मई के अंदर कौन मुलव्वस है, इसीलिए इमरान खान एक चीज वाज़ह तौर पर कहते हैं कि इसके लिए एक कमीशन बनाया जाए, इसकी तहकीकात करवाई जाए। इसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूं, आलिया हमजा और सनम जावेद, उनको कभी मियांवाली की पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, कभी लाहौर की पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, कभी सरगोधा की पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, अब उनको गुजरांवाला में तोड़फोड़ के मुकदमे के अंदर उन्होंने उनकी गिरफ्तारी डाल दी है। तो जनाब ये खातून जो थी ये एक जगह पर ही मौजूद होंगी ना उस दिन, आप लोगों ने 4-4 शहरों के अंदर उनके खिलाफ मुकदमात बनाकर उनको गिरफ्तार किया है, ये है 9 मई की हकीकत। दोबारा जो लोग जो अनासिर इसके अंदर शामिल थे उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि किसी भी सूरत पाकिस्तान के अंदर अनार्की नहीं फैलनी चाहिए और जो पाकिस्तान की जो मुकद्दस मकामात हैं उनको किसी भी सूरत उनके खिलाफ कोई भी क्रैकडाउन नहीं होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल 9 मई के हवाले से तो एक बयानिया बनाया गया, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। इसके अलावा जनाब मोहसिन बेग जो है वो भी खुलकर सामने आ रहे हैं, उनसे सवाल किया गया जी इस्लामाबाद के 3 हलकों के हवाले से कि जी 3 हलके कहाँ पर जा रहे हैं, क्योंकि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ने जो, क्योंकि इसके अंदर इस्लामाबाद के अंदर जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना है उसने जनाब ये समाज के लिए मुकर्रर कर दिए हैं 3 हलकों के जो केसेस हैं, और उन्होंने कहा है कि जी जो सारे उम्मीदवार हैं, कामयाब उम्मीदवार भी और जो हारे हैं, वो अपने फॉर्म 45 लेकर आए। और NA 48 के अंदर तो ये बात हो चुकी है कि जीतने वाले उम्मीदवार राजा खुरम शहजाद कहते हैं मेरे पास तो फॉर्म 45 मौजूद ही नहीं है, और तहरीक इंसाफ ने कहा है जी मेरे पास फॉर्म 45 मौजूद है। उसी के साथ साथ मुस्तफ़ा नवाज खोखर जो आज़ाद उम्मीदवार लड़े थे उन्होंने कहा है जी मैं तहरीक इंसाफ के लिए अपने फॉर्म 45 पेश कर देता हूँ, इनको मैच कर लिया जाए और आपको पता चल जाएगा। तो जनाब तीनों नशिस्तें जो हैं मुस्लिम लीग नून के हाथों से जाती हुई नजर आ रही हैं। तो मोहसिन बेग का यही कहना था कि इस्लामाबाद की 3 सीटें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के हाथ से चली जाएंगी। PTI का मौकफ जो है वो आज भी बहुत तगड़ा है।
बहुत प्रोपोगंडा किया गया, साजिशें की गई तहरीक इंसाफ के खिलाफ, लेकिन अब भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पास तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई बयानिया मौजूद नहीं है। वो चाहते हैं जी सारा काम इस्टेब्लिशमेंट करे और हम जो है सिर्फ और सिर्फ हुकूमत करें आराम से, तो जनाब ऐसा तो नहीं होगा। अब इस बात का एतराफ किया जा रहा है कि जी 8 फरवरी को मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला था और यहाँ पर मुस्लिम लीग नून को जबरदस्ती मैंडेट दिया गया, उनके बैलेट बॉक्स को भरा गया और जब उससे भी बात नहीं बनी तो फॉर्म 47 के ऊपर यहां पर हुकूमत बना दी गई। तो जनाब ये है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल। और अभी हाल ही में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान अकरम राजा से वजीर कानून आजम नजीर तागड़ और अटारनी जनरल मंसूर अमान की भी मुलाकात हुई है, क्योंकि आपको मालूम है जो कायम मकाम सदर हैं यूसुफ रजा गिलानी, उन्होंने जो एक तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया है उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि जी जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल के अंदर जजेस होंगे वो जो हाल जो अभी मौजूद हैं वो भी होंगे और जो रिटायर्ड हो चुके हैं वो भी इसके अंदर काम करेंगे। अब जाहिर है पाकिस्तान की आवाम ये जानती है कि रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन ट्राइब्यूनल के अंदर डालकर क्या हासिल करने की कोशिश की जा रही है और ये सब कुछ क्यों किया गया है। और इसी के अलावा जनाब नैब का जो ऑर्डिनेंस है उसके अंदर भी उन्होंने तरमीम की है कि जी जब गिरफ्तारी होगी तो वो 14 रोज का रिमांड नहीं दिया जाएगा बल्कि सीधा नैब जो है 40 दिनों का रिमांड लेगी और उसके अंदर जो है आप जमानत भी हासिल नहीं कर सकेंगे। और ये पाकिस्तान की आवाम को बताना जरूरी है कि ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के लिए किया गया है, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ नैब जो है एक नया रेफरेंस दायर करने जा रही है तोशाखाना के हवाले से, क्योंकि पुराने केसेस तो ठूस होते हुए नजर आ रहे हैं। इमरान खान की सजाएं उसमें खत्म होने जा रही हैं, साइफर का केस पीर को समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है। तो जनाब अब इसीलिए इमरान खान के खिलाफ नई नई साजिशें तैयार की जा रही हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जब मुलाकात हुई आजम नजीर तारड़ से तो उन्होंने कहा जी मुलाकात के हवाले से वजीर कानून नजीर तारड़ ने बताया कि मुलाकात में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पार्लिमानी अमूर के कुछ मामलात और इलेक्शन कमीशन के बजट से मुतल्लिक बात हुई। इसके अलावा इलेक्शन ट्रिब्यूनल के ऑर्डिनेंस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हमने कोई बातचीत नहीं की। तो जनाब जाहिर है आपकी हम इस बात को तस्लीम कर लेते हैं, आप वैसे भी जो कुछ कहते हैं हम उस चीज को तस्लीम कर लेते हैं, हम कौन होते हैं आपको और आपकी बात को इनकार करने वाले। अब ये सब कुछ इसीलिए किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन को इन्वॉल्व किया जाए इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाले मामले के अंदर और जो जजेस हैं वो अपनी मर्जी के लगाकर तहरीक इंसाफ को इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर भी शिकस्त दी जाए। लेकिन हाल में जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल लगे हैं बने हैं उन्होंने तो जनाबे वाला साफ साफ कहा है कि जी फॉर्म 45 लेकर आए और हम फैसला करेंगे। अब सलमान अकरम राजा का जो हल्का है NA 128 उसके अंदर भी वो किसी भी सूरत अपनी सीट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, उनको यहाँ पर जबरदस्ती हरवाया गया है। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें तो तहरीक इंसाफ के पास आएंगी ही आएंगी, लेकिन उसके साथ साथ जो लाहौर की नशिस्त है हल्का NA 128 वहां पर भी ओन चौधरी को शिकस्त होगी और जो सलमान अकरम राजा हैं उनको उनकी नशिस्त यहां पर वापस मिलने जा रही है। और जनाब इसके अलावा जो खबरें हैं वो भी बड़ी अहम है कि जी पाकिस्तान की अवाम के साथ जो प्रैंक किया गया है हुकूमत की जानिब से वो बड़ा दिलचस्प है। कल जनाबे वाला ये एक प्रोपोगंडा बनाया गया, एक जनाबे वाला टिकर चलवाए गए मीडिया के ऊपर कि जी हुकूमत पाकिस्तान जो है वो 15 रुपए पेट्रोल को सस्ता करने लगी है। सारा दिन एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई, रात 9 बजे तो इवन ये चलवाना शुरू कर दिया गया कि जी फैसला कर लिया वजीर आजम साहब ने कि जी पेट्रोल जो है 15 रुपए और डीजल को 7 रुपए हम सस्ता करने लगे हैं, पता नहीं क्या कुछ होने लगा है। तो रात को 12 बजे नोटिफिकेशन आ गया जी के 4.25 रुपए पेट्रोल को सस्ता किया है और 3.25 रुपए डीजल को सस्ता किया है। अब आप अंदाजा करें कि वजीर आजम ने अपने ट्विटर के ऊपर, PMLN ने अपने ट्विटर के ऊपर, हुकूमत पाकिस्तान ने भी अपने ट्विटर के ऊपर ये चीजें शेयर कर दी कि जी हम पेट्रोल को 15 रुपए सस्ता करने लगे हैं। तो जनाब आखिर में जो कुछ किया गया वो भी पाकिस्तान की आवाम के सामने है, तो इससे पता चलता है कि इनकी हैसियत क्या है पाकिस्तान की सियासत के अंदर और हुकूमत के अंदर कि ये पेट्रोल को भी अपनी मर्जी से सस्ता नहीं कर सकते। अब यहां पर कसूरवार किसको ठहराएंगे, जो अपने इसहाक डार हैं उनको ठहराएंगे या अपने जो वजीर खजाना है उनको ठहराएंगे या शहबाज शरीफ को ठहराएंगे या इस्टेब्लिशमेंट को ठहराएंगे। तो जनाब ये हैसियत है इस वक्त शहबाज शरीफ की, वजीर खजाना ने जो उनकी तजवीज़ थी उसको मुस्तरद करते हुए सिर्फ और सिर्फ 4.25 रुपए पेट्रोल को और 3.25 रुपए डीजल को सस्ता कर दिया। अब ये तो रही एक बात, यहां पर अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। आलमी
मंडी के अंदर पेट्रोल की कीमत सस्ती हो रही है लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रही। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जी IMF की जानिब से कहा गया है कि जी लेवी जो है वो 60 रुपए से भी ऊपर जाएगी और पेट्रोल गैस बिजली की जो कीमतें हैं उनको महंगा किया जाएगा, सब्सिडीज को खत्म किया जाएगा, जो सेल्स टैक्स की छूट दी गई थी वो भी खत्म की जाएगी। तो जनाब अभी हो सकता है एक मंथ और ये लोग पेट्रोल को सस्ता करें लेकिन उसके बाद पेट्रोल की कीमत 300 रुपए से ऊपर जाने का खतरा है। और साथ ही साथ एक तरफ इन्होंने पेट्रोल को सस्ता किया है, आज इन्होंने बिजली को 3.28 पैसे महंगा कर दिया है। ये हाल है पाकिस्तान की हुकूमत का, अवाम को दूसरी तरफ लगाकर बिजली को महंगा कर दिया गया। तो जनाबे वाला यहां पर हुकूमत को ज्यादा फायदा है कि बिजली को महंगा कर दिया जाए, पेट्रोल को बेशक सस्ता करते रहें। तो ये सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, अवाम को बेवकूफ़ बनाने की हर तरीके से कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान की अवाम जो है वो रुल रही है, गरीब पिस रहा है लेकिन उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, हुकूमत अपने मजे में है। मरियम नवाज के हवाले से भी खबर आ रही थी कि ट्रामा सेंटर जो जिना हस्पताल का है, नई बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो मरियम नवाज के नाम पर रखी जाने की एक अफवाह फैल रही है। अब देखना है इसके अंदर क्या सच्चाई है क्योंकि नई चीज़ तो ये कोई बना नहीं सकते, तो कोशिश ये कर रहे हैं कि पुरानी चीज़ों को अपने नाम के ऊपर करके पाकिस्तान को अपनी मलकियत साबित कर लिया जाए। और हो सकता है कि ये आने वाले दिनों में ये भी कह दें कि पाकिस्तान जो है कायद आज़म मोहम्मद अली जिना ने नहीं बल्कि मियाँ मोहम्मद शरीफ ने बनाया था और उसके इसीलिए पहला हक शरीफ ख़ानदान का है पाकिस्तान के ऊपर। और इसी तरह जरदारी ख़ानदान भी ये क्लेम कर सकता है कि जी पाकिस्तान हमने बनाया है और हमारा इसके ऊपर पहला हक है। वैसे बज़ाहिर तौर पर नज़र तो यही आ रहा है कि पहला हक इन्हीं का है, हम तो यहाँ पर कीड़े मकोड़े हैं, हमारी तो यहाँ पर बात नहीं सुनी जाएगी। तो जनाब ये इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है। हमूदी रिमान कमीशन के हवाले से तहरीक इंसाफ के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करने की तैयारी है, तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने की तैयारी है। लेकिन जनाब ख्वाजा साद रफीक का वो ट्वीट भी याद करें जब उन्होंने हमूदी रिमान कमीशन के हवाले से बात की थी। इसी तरह नवाज शरीफ की भी वो गुफ्तगू को याद करें जब उन्होंने कहा था कि हमूदी रिमान कमीशन को पढ़ें तो पता चले कि पाकिस्तान कैसे अलहदा हुआ था। जनाब यहाँ पर बात को समझें और मुनाफ़कत यहाँ पर ना करें। पंजाब हुकूमत इस वक्त जिस तरह की कारकर्दगी दिखा रही है वो पाकिस्तान की अवाम के सामने है, लेकिन बहरहाल इमरान खान को जितना मर्जी दबा लें आप इमरान खान को नहीं तोड़ सकेंगे और आखिरकार यही होगा कि अवाम खुद उठ खड़े होंगे। तो ये ना हो कि हालात आपके हाथ से निकल जाएँ, तो बेहतर है अगर पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है तो मुज़ाकरात किए जाएँ, सियासी मुकदमात को ख़त्म किया जाए, क्योंकि आखिर में बात तो वही है कि इमरान खान को तोड़ना, इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से बाहर करना आपका सिर्फ और सिर्फ एक अधूरा ख्वाब ही होगा। वस्सलाम।